बसमिल आज हमारा मैथमेटिक्स नाइन्थ का लेक्चर नंबर एटीन है आज हम एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपके आपके पास आप देखोगे कि आपके पास मेटिक्स ए मेटिक्स बी मेटिक्स सी हैं और इसके अलावा स्मॉल सी की वैल्यू और स्मॉल डी की वैल्यू होगी और फिर वहाँ पे नीचे लेखा होगा कि उनके थ्री पार्ट्स हैं जिसको आपने सॉल्व करने हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ठीक है वहाँ पे इस तरह होगा कि लेफ्ट साइड होगा राइट हैंड साइड होगा दोनों को आपने इस तरह प्रूव करना है कि दोनों दोनों से जो लास्ट में वीडियो आएगी वो सिमिलर हो इस क्वेश्चन को हम इस तरह हल करेंगे कि यहाँ पे इस वीडियो में हम पार्ट वन को uh, हल करते हैं और बाकी जो पार्ट टू और थ्री है उनको इन नेक्स्ट वीडियो में आ, हल करेंगे तो आइए पा, पार्ट जो फर्स्ट है उसको देखते हैं पार्ट फर्स्ट जो था वो मैंने इधर सोल्यूशन में लेकर है ऑलरेडी यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट हैं जिसमें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर स्मॉल सी प्लस डी और फिर वो मल्टीप्लाई होगा कैपिटल ए के साथ फिर इज इक्वल टू सी स्मॉल सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस स्मॉल डी के मल्टीप्लाई बाय कीपीटल ए इनको हम हल करेंगे सबसे पहले आप लेफ्ट हेंड साइड ले लो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस तरह हैं कि स्मॉल सी प्लस डी और फिर कैपिटल ए और इसको हम इस तरह करते हैं कि इसकी वीलो हम नीचे डालेंगे इज इक्वल टू सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है उसको बनाओ फिर सी है आपके पास स्मॉल सी हैं जिनकी वैल्यू हमारे आपके पास हैं उधर टू फिर जो यहाँ पे प्लस है वो लिखो फिर डी जो है डी की आपके पास वैल्यू है माइनस फोर उसको आप इधर लिखो फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसको बंद करो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास एक सी था जिसकी वैल्यू टू है और फिर प्लस था और फिर डी था जिसकी वैल्यू माइनस फोर है इनको हमने लिखा फिर ब्रेकेटों का हमने बंद किया फिर ब्रेकेट से बाहर हमारे पास कैपिटल ए है जो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसको डालेंगे ए की वैल्यू टू माइनस थ्री फोर फाइव यहाँ पे इस तरह करते हैं कि सबसे पहले तो इस ब्रेकेट के अंदर जो कुछ है उसको हल करते हैं क्योंकि पहले ब्रेकेट को हल किया जाता है ब्रेकेट टू प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस फोर और यहाँ पे इसको हम इसी तरह तब तक नीचे लाएंगे जब तक इसकी बारी आती है हल करने की अब यहाँ पे हमारे पास टू माइनस फोर है टू माइनस फोर हमारे पास माइनस टू आता है इससे टू माइनस फोर माइनस टू और इस मैट्रिक्स को हम इस तरह नीचे लाते हैं फिर इस तरह है कि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस रियल नंबर के साथ इसमें ट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले वीडियोज़ में सीख चुके हैं कि वो किस तरह होता है कि सारे इंट्रीज मल्टीप्लाई होंगे इस सब रियल नंबर के साथ माइनस टू मल्टीप्लाई बाय टू फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय ये जो दूसरी इंट्री है और फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फोर फिर माइनस टू मल्टीप्लाई बाय फाइव आगे इधर लिखते हैं इससे आगे का जो स्टेप है वो इस तरह है हम कि मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सबसे पहले तो हम साइन को मल्टीप्लाई करें ये यह माइनस है ये पॉजिटिव नंबर है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस टू टू जर फोर माइनस फोर माइनस फोर यहां पर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस सबसे पहले प्लस आएगा टू थ्री जर सिक्स सिक्स को हम इस तरह लिखते हैं प्लस सिक्स और फिर क्या है माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस टू फोर एट और यहां पे क्या है माइनस टेन ये हमारे पास लेफ्ट इंड साइड से आ गया लेफ्ट एंड साइड अब इस तरह करते हैं कि नाउ राइट हैंड साइड अब राइट हैंड साइड को लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे इस तरह था कि स्मॉल सी कीपिटल ए प्लस स्मॉल डी की पिटल ए अब इसकी वीर यहां पे डालते हैं तो यहां से हमारे पास आता है इज इक्वल टू स्मॉल सी की वीरियो हमारे पास है टू फिर जो कैपिटल ए है वो है हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं कि टू माइनस थ्री फोर फाइव और इसी तरह फिर क्या है फिर प्लस है हमारे पास प्लस डालते हैं फिर हमारे पास डी है और डी की भी है माइनस फोर और फिर माइनस फोर के बाद हमारे पास ए है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स ए जिसकी भी हमारे पास है टू माइनस थ्री फोर फाइव अब इसके बाद इस तरह करो कि इस रियल नंबर के साथ इस मेट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और इस रियल नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करो प्लस को नीचे लाओ और माइनस फोर के साथ उसको मल्टीप्लाई करो इस आपके पास आएगा कि टू मल्टीप्लाई बाई टू टू मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री टू मल्टीप्लाई बाई फोर और टू मल्टीप्लाई बाय फाइव सारों के साथ ये सारे मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ और यहाँ पे प्लस को हम नीचे लाएंगे माइनस फोर के साथ ये सारी जो चीज़ें मल्टीप्लाई होंगे माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय टू माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री इस तरह ब्रिकेट में जब हम डालते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय फाइव अब आगे इस तरह करते हैं कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको करते हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस आएगा टू टू जो फोर यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस टू टू जो फोर टू यहाँ पे प्लस टू माइनस थ्री प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस टू थ्री जो सिक्स और टू फोर जो एट टू फाइव जो टेन यहाँ पे इस तरह आया अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले तो इस प्लस को लेकर और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस फोर टू इज एट माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस फोर थ्री जर ट्वेल्व माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस फोर फोर इजार सिक्सटीन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस फोर फाइव हजार ट्वेंटी अब यहाँ पे इस तरह करते हैं कि ये जो दो मेट्रेसेज हैं इसको आपस में Uh, जमा करते हैं क्योंकि बीच में प्लस है और दोनों टू बाई टू मीटर से तो इनको हम जमा कर सकते हैं <coughs> करिस्पॉन्डिंग पोजीशन को जमा करेंगे फोर प्लस इसका पोजीशन है के पर है माइनस एट माइनस सिक्स करिस्पॉन्डिंग पोजीशन के है प्लस ट्वेल्व एट प्लस माइनस सिक्सटीन फिर टेन प्लस माइनस ट्वेंटी अब यहां पे सबसे पहले तो इस तरह करते हैं कि इन ब्रैकेटों को हटाते हैं इस तरह कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस और हाँ फोर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस एट माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व को अपना लिखते हैं यहाँ पे एट प्लस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस सिक्सटीन टेन माइनस ट्वेंटी अब आगे का स्टेप इधर करते हैं यहाँ पे इस तरह है कि इज इक्वल टू लिखते हैं फोर माइनस एट फोर माइनस एट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तुम्हारे पास आएगा माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर यहाँ से माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स आएगा या फिर सिक्स आएगा क्योंकि नेगेटिव सिक्स है पॉजिटिव ट्वेल्व है एट माइनस सिक्सटीन यहाँ से आएगा माइनस एट और यहां पर टेन माइनस ट्वेंटी पॉजिटिव टेन नेगेटिव ट्वेंटी तो माइनस टेन आएगा ये लेफ्ट साइड ये राइट हैंड साइड से आया हमारे पास राइट हैंड साइड से अब हम एज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था फर्स्ट रो में माइनस फोर सिक्स माइनस फोर सिक्स सेकेंड रो में माइनस एट टेन माइनस एट टेन इधर भी तो इससे ये साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है एज लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो प्रूव दैट वो जज को हम प्रूव कर रहे थे के सी प्लस डी ए इज इक्वल टू स्मॉल सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाय ए इससे साबित हुआ, तो हुआ कि ये जो लेफ्ट साइड हैं इसकी वैल्यू और राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू सिमिलर हैं तो साबित हुआ कि आपस में बराबर हैं जिसको हम साबित करने की कोशिश कर रहे थे ये था क्वेश्चन नंबर नाइन का पहला हिस्सा फर्स्ट पार्ट और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह जो दूसरा पार्ट है उसको हल करेंगे और हमारे साथ अपने आप को जुड़ा रखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट दिया करें आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़